हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 7 का आपका ऑपरेटर एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनाए हैं उनके आंसर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपके पास लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलान करने हैं और आपको ये क्वेश्चन करके देखने हैं आज। तो C++ में एक तो ऑपरेटर का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना होता है कि इस चैप्टर का जो आप मिलान कर सकते हैं चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 103 107 पेज नंबर पे, जिसमें आपके जो ऑपरेटर हैं कि जो C++ में नए ऑपरेटर जोड़े गए हैं, तो C++ में जो नए ऑपरेटर जोड़े गए हैं एक तो इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसके अलावा न्यू और डिलीट। तो ये जो 5 ऑपरेटर हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, न्यू और डिलीट, और इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना आपको आना चाहिए। और जब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का जब पूछा जाए तो आपको प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। इंसर्शन जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आउटपुट देने के लिए, एक्सट्रैक्शन जो है वो इनपुट लेने के लिए, स्कोप रेजोल्यूशन ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, न्यू ऑपरेटर न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और डिलीट ऑपरेटर उस न्यू मेमोरी से प्राप्त हुई मेमोरी को डिलीट करने के लिए। तो मैंने शॉर्ट में आपको इसका आंसर बता दिया है। अगला जो है एक्सप्रेशन और उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आपकी जो बुक में जो दिए हुए हैं एक्सप्रेशन, जिसमें कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल, फ्लोट, पॉइंटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं इनके बारे में विद एग्जाम्पल आपको करना है। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके अलावा जो मैंने नोट्स आपके लिए जो बनाए हुए हैं उन नोट्स में भी आपको मैंने रेगुलर इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आप उनका जो पॉइंट टू पॉइंट एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा, बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी नहीं बनते हैं। बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके सोर्टिंग वाले चैप्टर में से बनता है जो मैंने बता रखा है आपको, और जो आपके आगे आने वाले जो चैप्टर है उनमें से बनेगा। अभी हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट का अगला चैप्टर है, 5 चैप्टर उसमें थे इंग्लिश के, बाद में 6ठा चैप्टर और ये 7वां चैप्टर जो है। तो इसमें से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बात स्टूडेंट्स में ध्यान से जो देखने वाली बात है कि आपको क्या करना रहता है कि जो भी आप एक्सप्रेशन जो बना रहे हो उसमें से किसी एक एक्सप्रेशन के बारे में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बिटवाइज कॉन्स्टेंट के बारे में वर्णन कीजिए, एक्सप्रेशन के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर पूछा जाए कि केवल फ्लोट एक्सप्रेशन के बारे में वर्णन कीजिए, या इंटीग्रल कॉन्स्टेंट के बारे में वर्णन कीजिए। तो किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बड़े प्रश्न को याद करते हैं तो उसकी जो छोटे जो पॉइंट होते हैं उसको हम लिखना भूल जाते हैं। तो छोटे पॉइंट बनाएं, बिंदुवार लिखें और नंबर से उनको याद करने की कोशिश करें कि अगर फ्लोट के बारे में पूछा गया तो मैं उसके बारे में क्या लिख सकूंगा, और अगर आप बिटवाइज के बारे में पूछा जाए तो मैं उसके क्या एक्सप्लेन करूं और क्या मैं उदाहरण वहां पर दे सकूंगा। तो इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। जो मैंने इसमें जो लाइन खींच के जो बताया आपको कि विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आप ध्यान से देखें कि विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशन को समझाइए। तो आपके जो विशेष जो चिन्ह बने होते हैं जिसमें आपके जो दिया हुआ है चैन असाइनमेंट जिसके अंदर आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर एन, एक तो ये होता है आपका जो विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशन में आते हैं, और एक होता है एम्बेडेड जिसमें a बराबर b प्लस 5 ऐसा आप लिखते हो, मतलब जिसमें ग्रुपिंग होती है, और जो तीसरा होता है वो कंपाउंड जिसके अंदर आप a बराबर a प्लस 5 इस तरह से लिखते हैं। तो इसको आपको जरूर ध्यान से देखना है और इसके बारे में ध्यान से समझते हुए इसके क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ये एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है। तो विशेष असाइनमेंट एक्सप्रेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इसमें से आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक एक नंबर के इसमें से बन सकते हैं। तो अगला जो वीडियो इसका भी सेकंड पार्ट बनाऊंगा, मैं वीडियो भी छोटे बना रहा हूं तो वो इसीलिए क्योंकि आपको आसानी से वो देखने में आसानी रहे। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं अगले जो क्वेश्चन बच गए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। हमारे जो भी आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं आप टॉपिक के बारे में तो मुझे जरूर बताएं। और जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं मान रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं जिनको मैं स्कूल में पढ़ाया करता हूं, तो स्टूडेंट्स उनको मैं ये कहूंगा कि आपकी जो नोट्स की कॉपी है आप हिंदी टू उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उन क्वेश्चनों को सोल्व करें।
और डेली जो मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो डेली मैं आपको दे रहा हूँ और इन वीडियोज के बारे में से जो दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को करें और इस ग्रुप के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें जिससे आपकी रेगुलर स्टडी रहे और आप अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको नई वीडियो के बारे में जल्दी जल्दी सूचना मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।